नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। पूरे 100 वर्षों के बाद 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन बना काल सर्प योग। ये 7 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, पूरे 100 वर्षों के बाद 10 जुलाई यानी कि सावन के पहले सोमवार के दिन बन रहे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से काल सर्प योग में इन 7 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 7 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ इन 7 राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और इन 7 राशि वालों के जीवन में आने वाली है अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन 7 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये भाग्यशाली 7 राशियां कौन कौन सी है जो कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन बन रही है धन से मालामाल, करोड़पति बनने वाली है। ये 7 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 7 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे 100 सालों के बाद 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन बन रहे काल सर्प योग से करोड़पति बनने वाली हैं। ये 7 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफ़ी महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। वही अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। वही शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि की का निर्माता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। यानी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान शिव स्वभाव से जितने भोले माने जाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल, आज हम आपको ऐसी 7 राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान शिव की असीम कृपा होने वाली है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो भगवान शिव की कृपा से इन 7 राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन 7 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा आप पर बहुत अधिक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मेष राशि वालों, आपको न केवल धन लाभ होगा बल्कि आपको व्यापार में खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में अधिक लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तरक्की मिलने के पूरे योग हैं। वही जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनको ये सपना पूरा होने के भी योग बन रहे हैं।
गौरतलब है कि आपके सभी कार्य भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही साथ मेष राशि वाले जातकों आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी जिससे घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरी राशि आती है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपको बता दें भगवान भोलेनाथ की कृपा तुला राशि वाले जातकों पर बहुत अधिक बन रही है। बहरहाल महादेव की कृपा से इन राशि वाले लोगों के लिए आने वाला समय काफी बेहतरीन समय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफी शुभ फलदायी समय अब तुला राशि वालों के लिए आने वाला है। बता दें आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफ़ी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसे कई नए अवसर भी देखने को मिलेंगे जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको काफ़ी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनेगी। जिससे तुला राशि वाले छात्र को अपना जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक व्यतीत करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपके अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें भगवान शिव की कृपा से कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। आपको बता दें आप लोगों पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शिव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के आपके लिए अनेकों अनेक योग बन रहे हैं। जो जातक नौकरी करते हैं उन जातकों को नौकरी में प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं जिससे कुंभ राशि वाले जातकों आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा और साथ ही साथ संतान प्राप्ति का भी सुख आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है जिससे घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो चौथी राशि आती है वो राशि है कन्या राशि। आपको बता दें कन्या राशि वाले जातकों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत मेहरबान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वो अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली है। इस राशि के जातक अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और आपको बता दें कन्या राशि वाले अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो पांचवी राशि आती है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को बता दें कि भगवान शिव वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं जिसके कारण इस राशि वाले लोगों की आर्थिक लाभ मिलने की बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। बस आप इन अवसरों को अपने हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातकों, आपको जल्द से जल्द नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आपको अपने जीवन में अनेकों प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन से धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे बहुत जल्द अब दूर होने वाली है। स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके समस्त कष्ट दूर करने वाले हैं। प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस समय वृषभ राशि वाले जातकों को भरपूर लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को बता दें आप लोगों के ऊपर महादेव की विशेष कृपा बन रही है जिसके कारण इस राशि के जातकों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली है।
विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपका मन अब पढ़ाई में लगेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस लिस्ट में जो सातवीं राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बता दें, आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले से जूझ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में लगने लगेगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी कार्य को लेकर की गई यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल साबित होगी। आपको परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खत्म होने वाली है और आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातक को आपका जीवन बदल जाएगा। इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशि वाले जातकों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में आज सच्चे आप लोग सच्चे दिल से जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।